क्या आपको पता है कि अमेजन जिस पे ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है उसके लोगो के नीचे एक एरो दिया रहता है। आपको पता है कि उस एरो का क्या मतलब होता है? और इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये आपको कंप्यूटर में या कहीं पे भी मोबाइल रिमोट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे ये आपको ऑन ऑफ की बटन दिखती होगी। आपको पता है कि इस ऑन ऑफ के बटन का बहुत बड़ा मतलब है। इस वीडियो में आप ऐसे नॉन स्टॉप गजब फैक्ट्स को जानोगे जिसे जानकर आपका चेहरा इस इमोजी की तरह हो जाएगा। इस इमेज को ध्यान से देखिए, यह बेटी कोहेन का इमेज है। क्या आपको पता है कि इसी महिला ने कार्टून नेटवर्क का निर्माण किया था और इसी की वजह से हमारा बचपन इतना खूबसूरत बीतता रहा। दैट्स गजब। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन की खोज की थी, क्या आपको पता है कि उन्होंने अपनी पत्नी और माँ को कभी फोन नहीं किया क्योंकि वे दोनों बाहर ही थे। मतलब जिन्होंने टेलीफोन की खोज की उन्होंने खुद अपनी माँ और पत्नी को कभी फोन ही नहीं किया। इस बात को शायद ही किसी ने गौर किया हो कि दुनिया में अभी जो बचा हुआ इंसान है उनमें से एक भी बचा हुआ नहीं है जिसका जन्म 1800 से 1899 के बीच हुआ। आखिरी महिला बची हुई थी वह भी 15 अप्रैल 2017 को चली गई और अब धरती पर 1900 के बाद वाले ही बच गए हैं। आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली सेल्फी 1839 में रॉबर्ट कार्नेलियस नाम के व्यक्ति ने ली थी और उस समय उसकी सेल्फी लेने में 3 मिनट के समय लगे थे। क्या आपको पता है कि मोबाइल जो सभी लोग यूज करते हैं इसका हिंदी शायद किसी को पता होगा और इसका हिंदी होता है दूरभाष यंत्र यानी कि दूर के लोगों से बात करने वाली मशीन। अगर आपको कोई फैसला लेने में कठिनाई आ रही है तो आप एक सिक्का को हवा में उछालकर उसके नतीजे को चेक कर सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा होता है। जब सिक्का हवा में होता है तभी आपकी असलियत पता चल जाती है कि आप क्या चाहते हैं। दैट्स वेरी अमेजिंग। क्या आपको पता है कि नोकिया फिनलैंड का एक छोटा सा शहर है? और यह बात जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि नोकिया मोबाइल इसी शहर में बनता है और इसी शहर के नाम पर नोकिया कंपनी का नाम है। इस बारकोड स्कैनर मशीन को तो प्रायः सभी लोगों ने ही देखा होगा। क्या आपको पता है कि यह बारकोड स्कैनर मशीन जो है वह बारकोड के बीच वाले सफेद भाग को स्कैन करता है ना कि काले वाले लाइंस को। दैट्स अमेजिंग। क्या आपको पता है कि GIRL यानी कि गर्ल इसका फुल फॉर्म क्या होता है? और यह बात जानकर आप लोगों को भी हैरानी हो कि गर्ल का भी फुल फॉर्म होता है और इसका फुल फॉर्म होता है गॉडेस इन रियल लाइफ। इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे फोटो और वीडियोस को देखते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि विराट कोहली अपने एक पोस्ट करने के लिए 83.29 लाख रुपए लेता है, यानी कि यह इतना रुपया सिर्फ एक फोटो पोस्ट करने से ही कमा लेता है। और विराट कोहली इंडिया का सबसे महंगा खिलाड़ी भी है। यह एक बात हैरान करने वाली है कि आग जो होते है उसका कोई भी परछाई नहीं बनता है। अगर मान लीजिए एक माचिस की तिल्ली चल रही है तो सिर्फ तिल्ली की ही परछाई आपको दिखेगी, आग जो उसमें जलती है उसकी कोई भी परछाई नहीं बनती है। आपको जानकर यह हैरानी होगा कि इंसानों का जो होंठ होता है उसके नाभि से काफी गहरा संबंध होता है। सर्दियों के मौसम में आपके होंठ जो वो फटने लगते हैं और इसे ठीक करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप अपने नाभि पर सरसों का तेल डालें, इससे होंठ जो है वो काफी मुलायम होते हैं। अमेजन जो कि ई कॉमर्स बिजनेस का बहुत बड़ा वेबसाइट है, आपको पता है कि अमेजन का जो लोगो है उसके नीचे एक एरो दिया है। इसका मतलब यह होता है कि अमेजन के पास A to Z सभी सामान जो है वो उपलब्ध है। इस इमेज में आप लोगों को ऑन ऑफ की बटन दिख रही है और यह बटन आप लोगों को लैपटॉप मोबाइल या फिर टीवी के रिमोट पे देखने को मिलती है।
आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यह ऑन ऑफ का बटन हमारे अल्फाबेटिक नंबर 0 और 1 से मिलकर के बना है और इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है। कंप्यूटर में 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।